पता नहीं चित्रा के मन में क्या आता है और वो अगले ही पल वंदना से पूछ बैठती है, तुम कैसे कह सकती हो वंदना कि यक्षिणी मेरा बुरा करना चाहती है। वंदना चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, इसमें कहने वाली क्या बात है चाची, वो तो दिख ही रहा है। आपको नहीं दिख रहा क्या कि यक्षिणी आपका बुरा चाहती है। चित्रा खामोशी खड़ी रहती है। उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वंदना उसे क्या समझाना चाहती थी। वंदना अपनी बात चित्रा को अच्छे से समझाते हुए कहती है, चाची आप ही देखिए, जब मैं उस आईने के सामने खड़ी हुई थी तब कुछ नहीं हुआ, पर जब आप उस आईने के सामने खड़ी हुई अपने आप को निहारने लग गई, उसी वक्त वो कांच कुछ अजीब तरीके से टूट गया और ये पुखलीन, इसे भी तो आपने ही बनाया है। देखा जाए तो ये आपकी पहली रसोई थी अपने ससुराल में, और आप जानती है ना एक लड़की के लिए उसकी जिंदगी में उसकी पहली रसोई क्या मायने रखती है। वो यक्षिणी नहीं चाहती थी कि आपके हाथ का बना कुछ भी किसी को पसंद आए। वंदना की बातों ने चित्रा को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। वो भी एक पल के लिए डर गई थी। वंदना चित्रा की आंखों में देखते हुए कहती है, चाची मैं आपको एक और सबूत दे सकती हूँ कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। चित्रा एकटक वंदना को देखने लग जाती है। चित्रा की आंखों में देखकर वंदना समझ जाती है कि चित्रा उसकी बात सुनना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि एक और सबूत क्या था। वंदना अपने हाथ में पुखलीन लेते हुए कहती है, जरा इन पुखलीन पर अपनी एक और बार नजर डालिए चाची, ये कितने काले हो गए हैं। इतने काले तो ये कभी गुड़ खराब होने पर भी नहीं होते। कितनी गंदी स्मेल आने लगी है इनमें से। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन पर किसी की बुरी छाया गिरी हो, और मैंने कहा ना वो छाया किसी और की नहीं बल्कि यक्षिणी की है, क्योंकि वही यहाँ पर रहती है। चित्रा देखती है कि सिर्फ वंदना के हाथ का ही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद सभी पुखलीन उसी तरह काले पड़ गए थे जैसे सालों से बने रखे हों और अब सड़ गए हों। उनमें से गंदी स्मेल भी आने लग गई थी। वंदना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, चाची मुझे तो लगता है आपको यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, वो यक्षिणी कहीं आपको ही कुछ ना कर दे। आप ना हमारे साथ चलिए हवेली, वहीं पर रहिएगा योग के साथ। चित्रा वंदना को मना करते हुए कहती है, मैं ऐसे कैसे तुम्हारे साथ हवेली जा सकती हूँ वंदना, और वैसे भी मैं खुद यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, बस एक हफ्ते की बात है, फिर मैं युग को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वंदना कुछ कहती उससे पहले ही चित्रा फिर बोल पड़ती है, और रही यक्षिणी की बात तो मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पुराने जमाने की हो, जो इतनी सी बात का कुछ मतलब निकाले जा रही हो। ये सब बस इत्तेफाक है और कुछ नहीं। वंदना पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर विराट आ जाता है और वो किचन के अंदर घुसते से ही वंदना से कहता है, चले। वंदना हैरानी के साथ पूछती है, चले पर कहाँ। विराट हंसते हुए कहता है, घर और कहाँ, तुम्हारा इरादा यहीं पर रहने का है क्या वंदना। विराट वंदना की छेड़ करते हुए कहता है, लगता है वंदना चाची के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्ती हो गई है तुम्हारी। वंदना विराट से सब कुछ छुपाते हुए मुस्कुराहट के साथ कहती है, होगी कैसे नहीं, चाची है ही इतनी अच्छी। विराट जल्दी जल्दी कहता है, चाची अच्छी है वंदना, पर तुम जानती हो ना मेरे पिता कैसे हैं। अब तुम्हारी चाची से बात खत्म हो गई है तो चले हम फिर कभी मिलने आ जाएंगे उनसे। सुदेश फूफा जी का कॉल आया था, वो बता रहे थे कि वो शहर से निकल चुके हैं, एक आध घंटे में ही हवेली पहुंच जाएंगे। उनसे पहले हमें घर पहुंचना होगा, वरना तुम जानती हो ना क्या होगा। माँ ने तो कह दिया कि वो देख लेगी, पर मैं नहीं चाहता कि माँ और पापा के बीच फिर किसी बात को लेकर अनबन हो। वंदना कहती है, हाँ बाबा हाँ मैं सब जानती हूँ। वंदना चित्रा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, फिर मुलाकात होगी चाची, अपना ख्याल रखिएगा और संभल कर रहिएगा यहाँ। चित्रा कहती कुछ नहीं, बस एक मुस्कान के साथ हाँ में अपना सिर हिला देती है। चित्रा वंदना के साथ ही किचन से बाहर आती है और बाकी सब से भी बारी बारी मिलते हुए उन्हें अलविदा कह देती है। जितने भी लोग हवेली से आए थे वो सभी जा चुके थे। उन लोगों के जाते ही चित्रा मन ही मन सोचने लग जाती है कि वो अनुराग को वंदना और उसके बीच क्या बातें हुई, उस बारे में बताए या नहीं बताए। पर चित्रा को वंदना की बातें फिजूल ही लगती हैं, इसलिए वो अनुराग को कुछ नहीं बताती है। पर कई सारे ऐसे सवाल थे जो चित्रा के मन में पनाह ले चुके थे और उन्हें पूछे बिना चित्रा नहीं रह पाती है, और आखिर में वो अनुराग से पूछ ही बैठती है। चित्रा अनुराग से कहती है, अनुराग मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, हाँ चित्रा पूछो ना, क्या पूछना है। चित्रा कुछ सीरियस होते हुए कहती है, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या नहीं बताया। चित्रा कहती है, यही कि तुम्हारा यहाँ पर एक परिवार भी है। अनुराग खोए हुए अंदाज में कहता है, सच तो यह है चित्रा, मुझे भी आज ही पता चला कि यहाँ पर मेरा एक परिवार भी है। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, मतलब। अनुराग कहता है, मतलब यही समझ जाओ चित्रा कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो मुझसे नहीं तुमसे और युग से मिलने आए थे, तुम दोनों से रिश्ता जोड़ने आए थे।
मेरे रिश्ते तो इनसे काफी पहले ही टूट चुके हैं। चित्रा परेशान होते हुए कहती है, अनुराग तुम क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अनुराग चित्रा को सब कुछ बता देता है कि उसके पिता के गुजरने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था, किस तरह उसके और दिलीप के झगड़े बढ़े थे और अंत में उसे गांव छोड़ना पड़ा था। वो बस चित्रा को ये बात नहीं बताता है कि वो और दिलीप सगे भाई नहीं है, बाकी सब बता देता है। सारी बात सुनने के बाद चित्रा को एहसास होता है कि अनुराग ने कितना कुछ सहा था अपनी जिंदगी में और अभी भी सहे जा रहा था। वक्त बीतते जा रहा था, एक हफ्ता कैसे एक महीने में बदल गया चित्रा को पता ही नहीं चला। चित्रा को लगा था कि यदि युग एक हफ्ते अनुराग के साथ रहेगा तो उसके बाद खुद युग का अनुराग के प्रति प्यार कम हो जाएगा और वो युग को फिर आसानी से शहर ले जाएगी, पर सच तो ये था कि युग का प्यार अनुराग के प्रति वक्त के साथ और बढ़ते गया। जिससे हम प्यार करते हैं उससे कभी बोर नहीं होते हैं, बल्कि उसके साथ हमारा लगाव बढ़ते जाता है और युग के साथ भी यही हुआ। युग को अनुराग से इतना लगाव हो गया कि वो एक पल भी उससे दूर नहीं रहता था, उसके पास ही बैठा रहता था। चित्रा समझ गई थी कि अगर वो युग को फिर शहर लेकर गई तो शायद युग उससे नफरत करने लग जाए। युग को लगेगा कि चित्रा उसे उसके पिता से अलग करना चाहती है और चित्रा ऐसा कभी नहीं चाहती थी। इसलिए चित्रा ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो शायद वो कभी खुद की मर्जी से नहीं लेना चाहती थी। उसने ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहने का फैसला कर लिया। चित्रा ने अपना सारा सामान ग्रेवयार्ड कोठी में ही शिफ्ट करवा दिया और वो वहीं से काम करने लग गई। वो ग्रेवयार्ड कोठी में रहकर ही पेंटिंग करती और उसे एग्जीबिशन के लिए शहर भेजती थी, जहां पर उसके सहकर्मी उसकी पेंटिंग को लगा देते। उसका पूरा काम गांव से ही होने लग गया था। चित्रा ने नोटिस किया कि युग अपना आधे से ज्यादा वक्त खेलने कूदने में बिता देता था। चित्रा नहीं चाहती थी कि युग का आने वाला भविष्य खराब हो और वो अपनी जिंदगी में पीछे रह जाए, इसलिए उसने उसका एडमिशन गांव के ही स्कूल में करवा दिया था। स्कूल में ही युग की मुलाकात अभिमन्यु, कायर, कछुआ और बिंदु से हुई, जहां पर वो लोग अच्छे दोस्त बन गए। युग का सबसे अच्छा दोस्त जो बना वो अभिमन्यु था। वो बचपन से ही हर मुश्किल में उसका साथ दिया करता था। इस एक महीने के अंदर एक रात ऐसी थी जिस रात अनुराग बहुत परेशान तो था ही, पर साथ में काफी डरा हुआ भी था, और वो रात थी अमावस्या की। वादे के मुताबिक अनुराग को अमावस्या की रात मोहित को लाल हीरा वापस तो करना ही था, साथ में उसे यक्षिणी से भी मिलवाना था। अनुराग जानता था कि यक्षिणी शिकार करने के लिए घाट पर जरूर आएगी, इसलिए रात होते ही जब चित्रा युग सो गए तो वो चुपके से घाट पर चला गया। पर जब वो वहां पर पहुंचा तो उसे वहां पर मोहित नहीं मिला। वो मोहित का इंतजार करते रहा पर मोहित वहां नहीं आया। असल में मोहित की वहां पर ना आने की वजह यह थी कि रतन पाली ने उसे गांव में अभी आने से मना किया था, क्योंकि दिलीप का शक उस पर ही था। दिलीप अच्छे से ये बात जानता था कि उसने ही बातों बातों में रतन पाली को बताया था कि वो अपना सारा पैसा अपनी अलमारी की तिजोरी में रखता था। रतन पाली नहीं चाहता था कि मोहित वापस आए और दिलीप उससे कुछ पूछे, क्योंकि मोहित कभी भी अपनी जुबान खोल सकता था। वो एक नंबर का डरपोक और शराबी इंसान था। मोहित को भी रतन पाली की बात माननी पड़ी, क्योंकि रतन पाली ने उसे फोन पर ही धमकी दे दी थी कि अगर उसकी मर्जी के बिना उसने गांव में कदम भी रखा तो उसे वो अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर देगा, और मोहित ऐसा कभी नहीं चाहता था। उसने शहर में रहना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि वो जब भी वापस आएगा तो अमावस्या की रात अनुराग से उसका हीरा ले ही लेगा। अनुराग कहीं नहीं जाने वाला, आखिर उसने उससे वादा किया था। अनुराग अमावस्या की उस रात सिर्फ मोहित का ही नहीं बल्कि यक्षिणी का भी इंतजार कर रहा था, पर उस अमावस्या की रात न मोहित आया न यक्षिणी। मोहित का तो अनुराग समझ गया था कि वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा जिस कारण वो नहीं आ पाया, पर यक्षिणी वो क्यों नहीं आई थी आखिर अपना शिकार करने, यही अनुराग की समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब मोहित और यक्षिणी नहीं आए तो अनुराग सुबह होने से पहले ही ग्रेवयार्ड कोठी वापस चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चित्रा को पता चले कि वो सारी रात कोठी के बाहर था। वो उसके और चित्रा के बीच झगड़े की फिर एक वजह नहीं पैदा करना चाहता था। अमावस्या की अगली सुबह जब अनुराग की नींद खुली तो उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसे पता चला कि यक्षिणी ने फिर गांव के किसी मर्द का शिकार किया था, पर इस बार घाट पर उस मर्द की लाश नहीं मिली थी, बस खून से सने हुए कपड़े मिले थे। गांव वाले समझ गए थे कि यक्षिणी अपने सबसे ज्यादा रौद्र रूप में थी, इसी वजह से वो मर्द की लाश तक को नहीं छोड़ रही थी। पहले तो वो बस मर्दों का दिल खाती थी, पर अब तो पूरी लाश खाने लग गई थी। उस अमावस्या की रात के बाद अनुराग समझ गया कि यक्षिणी उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी, तभी उसके सामने नहीं आई थी।
वो समझ गया था कि यक्षिणी की बात ना मानकर उसने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसके लिए यक्षिणी उसे कभी माफ नहीं करने वाली थी। 2 महीने बीत गए थे और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अनुराग ने उस अमावस्या की रात को भी भुला दिया। भुलाता भी कैसे नहीं, आखिर उसे उसकी पत्नी चित्रा और बेटे युग का साथ जो मिल गया था। जब आपको आपके अपनों का साथ मिल जाता है तो आप सारे गमों को भुला देते हैं। अनुराग तो पहले से ही चाहता था कि वो अपने परिवार के साथ रहे। इस दुनिया में सबसे अच्छा सुकून जो मिलता है वो परिवार वालों के साथ ही मिलता है, और अनुराग को भी वही मिल रहा था। अनुराग बहुत खुश रहने लग गया था, और जब इंसान को खुशियां मिल जाती हैं तो वो पीना भी छोड़ देता है, और अनुराग ने भी वही किया था। जब से युग और चित्रा वहां पर रहने लगे थे उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। अनुराग युग के साथ खेलने में इतना लगा हुआ रहता था कि उसका कहानी लिखने में मन ही नहीं लगता था। परिवार की खुशी मिलने के कारण वो अपनी कहानी को भूल सा गया था। सिर्फ अनुराग ही नहीं, चित्रा भी बहुत खुश थी वहां रहकर। वो खुश रहती भी कैसे नहीं, आखिर उसे उसकी पेंटिंग करने के लिए एक बड़ा सा कमरा जो मिल गया था। चित्रा ने ग्रेवयार्ड कोठी के ही एक कमरे को अपनी पेंटिंग वर्क के लिए चुन लिया था, जहाँ पर रहकर वो पेंटिंग करती थी। चित्रा के खुश रहने की एक और वजह थी, वो ये थी कि उसे 2 नए दोस्त मिल गए थे, जिनमें पहली तो वंदना थी जो कभी कभी विराट के साथ उससे मिलने के लिए आ जाया करती थी। चित्रा का दूसरा जो दोस्त था वो कोई और नहीं बल्कि प्रशांत था। चाय के स्टॉल पर पहली मुलाकात के बाद प्रशांत ग्रेवयार्ड कोठी आया था अनुराग से मिलने के लिए। उसी वक्त उसकी चित्रा से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, और ये दोस्ती वक्त के साथ बढ़ते जा रही थी। चित्रा के आने के बाद से ही प्रशांत का ग्रेवयार्ड कोठी आना जाना बढ़ गया था। वो रह रहकर ग्रेवयार्ड कोठी आ जाया करता था, जो अनुराग को बहुत अजीब लगता था। कभी प्रशांत चित्रा से हंस हंस कर बातें करता था, तो कभी उसके हाथों से बने खाने की तारीफ करता था। कभी कभी तो वो अनुराग के सामने ही चित्रा की खूबसूरती की तारीफ कर दिया करता था, पर अनुराग सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया करता था। पर एक दिन अनुराग ने चित्रा और प्रशांत को कुछ इस तरह देखा कि वो उस हादसे को नजरअंदाज नहीं कर पाया। उस हादसे के बाद चित्रा तो अनुराग के दिल से उतरी ही, साथ में प्रशांत के लिए भी नफरत पैदा हो गई।